हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे, और सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रश कर लिया है, और ब्रश करने के बाद अब मैं बना रही हूँ अपने लिए और अपनी बहन के लिए चाय। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मेरे दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है, और मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैं और मेरी बहन, हम दोनों मिलकर चाय एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम दोनों लगभग 7-8 सालों से एक साथ रह रहे हैं, और हमारा हर दिन का मॉर्निंग रूटीन ऐसा ही होता है। इसके बाद मैं आ गई थी बुक रीडिंग करने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने इस बुक को कंप्लीट नहीं किया है। अगर आपने मुझे पहले से फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ। तो आज इस बुक का मैं चैप्टर नंबर 12 पढ़ रही थी, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। चैप्टर नंबर 12 बहुत अच्छा था। इस चैप्टर का टाइटल था 8 वर्ड्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, और मैं आपको बता दूँ कि वो 8 वर्ड्स कुछ इस तरह से थे। आवर लाइफ इज़ वॉट आवर थाट्स मेक इट। इसका मतलब ये है कि हम जैसा सोचते हैं वैसी हमारी दुनिया बनते जाती है, और इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डेप्थ में इस चैप्टर में समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर हम हैप्पी थॉट्स सोचते हैं तो हम हैप्पी होते हैं, और अगर हम मिजरेबल थॉट्स अपने माइंड में रखते हैं तो हमारी लाइफ मिजरेबल होती है, और अगर हम फेयरफुल थॉट्स अपने माइंड में रखते हैं तो हमारी लाइफ फेयरफुल होती है। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इसमें अंडरलाइन किया है, और ये एक बहुत अच्छी बुक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ मेरे अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, और थोड़ा सा और जो मेरी नॉलेज है वो डीप होती जा रही है। एक्चुअली अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत सारे बुक्स पढ़ें। और आपको तो पता ही होगा कि APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि 1 book इज़ बेटर देन 100 friends। तो समझ लीजिए आप कि अगर आपके पास एक बुक है तो वो आपके 100 दोस्त के बराबर है। और यकीन मानिए, अगर हम किसी भी एक बुक को फॉलो करें एकदम शिद्दत से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और करेंटली मैं इसी बुक को फॉलो कर रही हूँ, और इसीलिए मैं इसे बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। मैं हर दिन इसका केवल एक चैप्टर पढ़ती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि उस चैप्टर को मैंने जिस दिन भी पढ़ा उस दिन उसे इम्प्लाई करूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आप एक दिन में एक बुक पढ़ के ख़त्म करते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप उसे कुछ सीखते नहीं हैं। तो बस मेरा तो यही रूटीन है कि मैं हर दिन एक चैप्टर पढ़ती हूँ और उस चैप्टर को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो देखते हैं कि ये बुक मेरा कब तक ख़त्म हो जाता है, और इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में चेंजेस आती भी हैं या नहीं, ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। चैप्टर 12 के एंड में 10 ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको कि मुझे आज के लिए फॉलो करना है। और मैं आपको बता दूं कि एक चैप्टर जो होता है वो मुश्किल से 7 से 8 पेज का होता है, तो अगर आप भी एक चैप्टर को हर दिन पढ़ते हैं तो आपका मैक्सिमम 1/2 hour खर्च होगा, लेकिन 1/2 hour में आपको बहुत डीप नॉलेज मिलेगी। पहले मुझे इसका एसेंस समझ नहीं आता था, मुझे समझ नहीं आता था कि लोग क्यों बोलते हैं कि बुक रीडिंग करो, लेकिन अब मुझे ये बहुत ज़्यादा समझ आने लगा है। पहले मैं बहुत इरेगुलर होती थी बुक पढ़ने में, और पहले मेरी एक ऐसी आदत भी थी कि मैं एक दिन में पूरा बुक पढ़ लेती थी और उससे मुझे कुछ आउटपुट मिलता नहीं था, लेकिन अब मैं चैप्टर वाइज ही पढ़ती हूँ। सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं यहाँ पर आम खा रही हूँ, और इस साल के गर्मी के सीज़न का ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं आम खा रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं दुनिया में हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन आम के साथ नहीं, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। इसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी, तो अभी मेरी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट है, और आज मैं पढ़ रही हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट बिल्कुल शुरुआत से। देखिए, पेडागॉजी को बार बार रिवाइज़ करते करते मुझे बहुत कुछ याद हो गया है, और मैं अब रिवाइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, एक एक बार रीड करती हूँ, और एक एक बार रीड करने से ही बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ जाती हैं। फाइनली मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए अब मैं आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट की कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोल के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट के कितने स्टेजेस हैं, और आपको सारे स्टेजेस को ईयर वाइज लिख कर कमेंट करना है।
दूसरा क्वेश्चन है कि जीनोटाइप और फेनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है, इसे भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अब मैं पढ़ने लग रही थी हिस्ट्री यहाँ पर, और हिस्ट्री का मेरे पास ये कुछ नोट्स है, तो बस इन्हीं नोट्स को मैं ऑनलाइन रिवाइज़ कर रही हूँ। एक्चुअली ये मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में है, और अब मेरी आदत हो गई कि मैं फ़ोन से पढ़ने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैक्सिमम पढ़ाई जब हम केवीएस की तैयारी कर रहे थे तो हमें फ़ोन से ही करना होता था, तो अभी मैं फ़ोन से ही मिडिवल हिस्ट्री को रिवाइज़ कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी बिहार 7th फेज़ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कल ही बहुत सारे टीचर्स ने इसका सिलेबस जो है बता दिया है कि क्या क्या इसमें आने वाला है, जिसमें कि जीके का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम में, तो इसीलिए अभी जीके को भी मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे रही हूँ। लगभग मैंने एक घंटे मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा था, और इसके बाद मैं टाइपिंग सीखने आ गई थी। आपको तो पता ही है कि आजकल मैं अपने स्किल्स पर भी वर्क कर रही हूँ, लेकिन आज मैं एमएस एक्सेल नहीं सीख रही हूँ, आज मैं टाइपिंग सीख रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि टाइपिंग सीखने से मतलब मेरे हाथों में दर्द हो जाता है, तो मैं ज़्यादा देर नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए आज मैंने केवल हाफ एन आवर ही टाइपिंग की, लेकिन हाफ एन आवर मैंने बहुत मन से टाइपिंग की है, बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखा है। मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी आप टाइपिंग कहाँ से सीख रही हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि आप YouTube पर सर्च करिएगा कि टाइपिंग क्लासेस, तो आपको एक चैनल आएगा और उसमें 10 क्लासेस दी गई है टाइपिंग की, तो अगर आप हर दिन एक क्लास को फॉलो करते हैं तो 10 दिन में आप टाइपिंग सीख जाएंगे। मैं हर दिन एक क्लास को फॉलो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे हाथों में दर्द हो जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके स्लोली सीखूँ। अगर आप भी एक टीचिंग एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपने स्किल्स पर काम करना शुरू कर दीजिए, ये हर जगह आपको काम आएगा। लगभग हाफ एन आवर मैंने टाइपिंग की, और इसके बाद अब टाइम था मूवी देखने का। और मैं आपको बता दूँ कि आजकल मैं नेटफ्लिक्स पर स्ट्रेंजर थिंग्स देख रही हूँ, और अगर आपको डर नहीं लगता है तभी आप इस वेब सीरीज़ को देखिएगा, और अगर आपको ऐसा थोड़ा भी डर लगता है अंधेरे से, या फिर अगर आपको बिलीव होता है कि कुछ भूत वूत टाइप का कुछ होता है, तो फिर आप इसे मत ही देखिएगा। क्योंकि जब मैंने इसका फर्स्ट सीज़न देखा था तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन अभी सेकेंड सीज़न में मैं बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हो गई हूँ। तो इस वेब सीरीज़ को मैं इंग्लिश में ही देखती हूँ और हमेशा सब टाइटल्स को ऑन करके रखती हूँ। और अगर आप भी ऐसे मूवीज़ देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इंग्लिश आपके लिए एक केक वॉक होगा। आप आराम से इंग्लिश सीख लेंगे, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता इंग्लिश सीखने से। मुझे लगता है कि अगर आप 30 मूवीज़ देख लेते हैं इंग्लिश में तो ये मोर देन इनफ होगा। इतना देखने के बाद आप आराम से इंग्लिश सीख जाएंगे और सबके सामने बोल ही पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। इसके बाद मुझे भूख लग रही थी, तो मैं और मेरी बहन हम दोनों मिलकर यहाँ तरबूज खा रहे हैं, और कुछ हम फ़नी बात भी कर रहे थे, तो हमें बहुत हंसी भी आ रही थी। और मैं आपको बता दूँ कि आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करने वाली हूँ, क्योंकि कल मुझे जाना है कहीं, और मैं जहाँ भी जा रही हूँ उसका व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।